जब जब होता है जुल्मों का हादसा, तब तब जन्म लेता है लाल बादशाह। जितना आपका ये लगड़ा लूला फौज है, ये उबला हुआ आलू नहीं कुचल सकता, हमको क्या कुचलेगा? काहे इन लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हैं? बोल लीजिए, संभालिए अपना इस खिलौना को, रात को मच्छर मारने में काम आएगा। ए, ये क्या है रोज रोज का नाटक है? लाल सिंह, आज फैसला हो ही जाए। अब फैसला जब मर्जी चाहिएगा हो जाएगा, वक्त भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, लेकिन इस वक्त तो हमको जाने दीजिए। हमारी गाड़ी में एक तो बुढ़िया माई बैठी है, बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगी। मरने दो, हमारे मरने वालों की लिस्ट में एक और इजाफा हो जाएगा। इजाफा नहीं, नुकसान। कितनी बार टकराए आप हमारे साथ, हमेशा नुकसान ही हुआ है आपका, कभी फायदा हुआ है? चलिए, टाइम बर्बाद कीजिए, जाने दीजिए हमको, चलिए। अरे सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, पल्लू की भी सुनो। तुम्हारा बन तो उसी वक्त टूट गया था जब लाल बादशाह रोड पे निकल आए थे। देखना चाहते हो? उधर देखो, मेरे पिछवाड़े देखो। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। हाँ, आ जाओ आ जाओ, समान। ओह, तो आप हैं लाल बादशाह? तो क्या मारिएगा? ने पूरे इरादे के साथ बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से समाज सेवक जब्बर सिंह का कत्ल किया है। वो समाज सेवक जो इंसानों को उनके जीने का हक दिलाता था, गरीबों के दुख दर्द में काम आता था, उस इंसान को जिंदगी से घसीट करके मौत के अंधेरे में इसने फेंक दिया है। योर ऑनर, यह कत्ल इंसानियत के दामन पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म के लिए लाल बादशाह को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो दुनिया के तमाम मुजरिमों के लिए एक इबरत हो, एक सबक हो। वाह वकील साहब, वाह! इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ता पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये जौन जबरवा मरा है, ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है, कुछ मालूम है आपको? बस ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया? किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10-20-50 आदमी तो हमको देखा होगा। चलिए 10-20-50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। पता हम क्या करें? हुजूर,
अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है आप तो अच्छी तरह जानते हैं। वकील साहब की तरह किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे, और जब गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे बोलिए। ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए, हमारा मुख क्या ताक रहा है, 2 घंटे से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहा है और ये टिपी टिपी ये टाइपराइटर चला रहा है, कोई गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। और तो हिलते कहां है? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हो जो लाल बादशाह। क्या कर रहा है लाले? मारा मारी के रास्ते से छुटकारा क्यों नहीं ले लेता? और कैसे छुटकारा ले ले? और जितना बेबस मजबूर लोग है इन पर अत्याचार होता रहे और हम देखते रह जाएं, हमारा तो खून खौलने लग जाता है। लेकिन वो औरत तेरी लगती क्या थी? अब मानिए तो हर कोई अपना, ना मानिए तो सारा जग बेगाना। पर बेटे किस किस के दुख तू बांटते फिरेगा? और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी। जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए वही तो जिंदगी है। पर दूसरों के दुख बांटते बांटते अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, अब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कुछ हो सकता है। चलते हैं। अर्ष, अर्ष मां जी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटे, लेकिन डर लगता है अगर तुझे कुछ हो गया तो उस माँ को क्या जवाब दोगी जिसका तो खून है। आपको बताया था? हाँ हाँ, नाम तो मैंने इनका बहुत सुना है, लेकिन हमें हथियार बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए, क्या ये उतना हमें दे पाएंगे? अजी, हथियार तो ये आपको इतना दे देंगे कि उनको चलाने वाले और मरने वाले कम पड़ जाएंगे, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। वो क्या? इनको एडवांस कैश में चाहिए। कैश इज नो प्रॉब्लम। व्हेन विल यू बी एबल टू गिव अस दीज आर्म्स? When will be able? I think by 17th. By 17th of November. 17th November. बादशाह हमारे सामने से हट जाओ वरना। नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर। पागल हो गया ये, सुना तुमने?
पागल हो गया है। कहता है हमारा सारा माल आदमियों समेत ब्लास्ट हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता, समझे? कभी नहीं। मगर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? बोन, हमारा सारा माल ब्लास्ट हो। नाम, नाम क्या उसका? बोल, बोल मुझे। नाम क्या है? लाल बादशाह। अच्छा नहीं लगता। पिटाना होगा, पिटाना होगा। अरे कालिया, तू है? दादा मुझे माफ कर दीजिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आपके नाम की सुपारी ले ली। सुपारी? हमको मारने के लिए सुपारी ली है? कितने रुपया की? 3 लाख रुपए की दादा। 3 लाख? हाँ। हमारा जो दुश्मन है उनसे जाकर के बोलिएगा कि कितना साल से है रेट पर चल रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ाने को बोलिए। इतना कम दाम पे हमारा बहुत इंसल्ट होता है।